अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और कैमरा टू एपीआई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। एंड्रॉयड नोगट के बाद ये कैमरा टू एपीआई आया था, जिसमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स लाए गए थे, काफ़ी कुछ का सपोर्ट दिया गया था। एंड बाद में जब एंड्रॉयड पाई आया तो इसे मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि गूगल ने ये रूल बनाया कि जितने भी स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड पाई के बाद आएंगे, सब में कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट होना चाहिए, वरना वो लोग जो है एंड्रॉयड को रिलीज़ करने नहीं देंगे। तो इसलिए गाइज, जितने भी स्मार्टफोन्स अब रिलीज़ होते हैं, सब में कैमरा टू एपीआई होता है। कैमरा टू एपीआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है गाइस, कि आप गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं और गूगल कैमरा की मदद से बहुत ही जबरदस्त फोटोग्राफी कर सकते हैं। पहले एंड्रॉयड में गाइस, जो भी हम लोग स्टॉक कैमरा से फोटो लेते थे वो बहुत ज्यादा झकास नहीं आता था, जिसके रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया गूगल कैमरा ने और गूगल कैमरा वन ऑफ द बेस्ट गूगल कैमरा एप्लीकेशन बन गया गाइस किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे। तो कैमरा टू एपीआई जबरदस्त था, लेकिन अब बारी है गाइस उसका एक अपग्रेड का, जिसका नाम है कैमरा एक्स एपीआई। ये कैमरा एक्स एपीआई क्या है, इससे क्या फायदा होने वाला है और ये कब तक हमें देखने को मिल जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइज़ देखिए, कैमरा टू एपीआई तो आया और उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा भी था, खास करके गाइज़ बैकग्राउंड डेप्थ के लिए, बैकग्राउंड ब्लरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये एपीआई था। लेकिन गाइज कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस ये थे कि आपने जब भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि आजकल के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें 3-4 कैमराज दिया जा रहा है। अब जैसे कि गाइज 4 कैमराज है, यहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, मैक्रो मिल जाता है, सुपर वाइड मिल जाता है। इन सभी कैमराज पे बहुत ही अच्छे से काम करता है स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन, या फिर कई सारे गूगल कैमरा एप्लीकेशन बहुत अच्छे से इन सभी कैमराज को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है गाइज ऐसे कैमरा एप्लीकेशंस की जो कि थर्ड पार्टी में हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास WhatsApp है और WhatsApp पे अगर आप कोई स्टेटस लगा रहे हैं या किसी को पिक्चर भेज रहे हैं तो उसमें भी आपका उसका डेडिकेटेड कैमरा ऐप खुलता है। तो WhatsApp का जो कैमरा ऐप देखेंगे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल या फिर गाइज फ्रंट कैमरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक बैक कैमरा इस्तेमाल होता है, एक फ्रंट कैमरा इस्तेमाल होता है। बाकी के जो 3 कैमराज है वो आप स्विच नहीं कर सकते हैं WhatsApp में, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए गाइज आप कोई भी स्नैप कैमरा डाउनलोड कर लिए, एबेटर कैमरा डाउनलोड कर लिए, या फिर गाइज यहाँ पे ओपन कैमरा डाउनलोड कर लीजिए, तो उन सब में भी आप कैमराज के बिटवीन में स्विच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट और बैक कैमरा खोल सकते हैं, टेलीफोटो लेंस, मैक्रो लेंस, सुपर वाइड एंगल लेंस, ये सभी आप थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन में खोल नहीं सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन में 3-4 कैमराज को हैंडल करने का सपोर्ट दिया जाता है तो वो डिवाइस स्पेसिफिक वाइज दिया जाता है, यानी कि क्योंकि गाइज हर एक स्मार्टफोन में अलग अलग कैमरा का हार्डवेयर होता है, अलग अलग कैमरा, किसी में सोनी का हुआ, किसी में सैमसंग का हुआ, किसी का दोस्तों कोडिंग्स अलग है, किसी का सॉफ्टवेयर अलग है, तो इसलिए गाइज हर एक कैमरा में अगर हमें देना पड़ेगा 3 और 4 लेंसेज का सपोर्ट, तो उसके लिए चाहिए होगा हर एक स्मार्टफोन के लिए अलग अलग कोडिंग की जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि बेसिकली गाइज अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और मान लीजिए आपके पास सैमसंग का डिवाइस है, तो उस एप्लीकेशन में भी हो सकता है कि सैमसंग के 3-4 कैमरास को सपोर्ट करने के लिए दिया गया हो, लेकिन गाइज वो किसी और डिवाइस में 3-4 कैमरास को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए गाइज अगर आपको बैकग्राउंड ब्लरिंग भी करना होता है तो या तो आप स्टॉक कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ओपन कैमरा, या फिर आप गाइज गूगल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ओपन कैमरा स्नैप कैमरा देख ले तो वो सब बैकग्राउंड ब्लर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं गाइज एप्लीकेशन जो कि बैकग्राउंड ब्लर सपोर्ट करते हैं, बट उन्हें अपना ही फीचर देना पड़ता है बैकग्राउंड ब्लर का, उन्हें अपना ही AI देना पड़ता है बैकग्राउंड ब्लर का, उन्हें अपना ही सिस्टम देना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन आता है गाइस कैमरा एक्स एपीआई में। कैमरा एक्स एपीआई आपको ये फीचर देता है कि आप दूसरे कैमरा एप्लीकेशन में भी स्टॉक कैमरा वाला फीचर जो है चला सको। जैसे कि स्टॉक कैमरा में अगर हम 3-4 कैमराज यूज कर पा रहे हैं, तो कैमरा एक्स एपीआई की मदद से व्हाट्सएप के कैमरा में भी 3-4 कैमरा को जो है सपोर्ट करने का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपर ये चूज कर सकता है कि कौन सा स्टॉक कैमरा का एप्लीकेशन हमें अपने कैमरा में चाहिए। तो मान लीजिए गाइस गूगल ये कह देता है कि जितने भी स्मार्टफोन्स आए उनमें कैमरा एक्स एपीआई होना चाहिए, तो इससे हमारा जो कैमरा की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान इस मायने में हो जाएगा कि गाइस सभी जो कैमरा एप्लीकेशन के डेवलपर्स हैं
उन सभी डेवलपर्स को खुद से बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें बस जो है जो स्टॉक कैमरा में दिया गया कोड उन्हें अप्लाई करना होगा और फिर उसे पेस्ट कर देना होगा, जिसकी मदद से वो लोग जो है काफ़ी आसानी से कैमरा ऐप को डेवलप कर पाएंगे। जिससे गाइज अगर आपको पोर्ट्रेट ब्लर लेना होगा तो व्हाट्सएप कैमरा को छोड़ करके कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप व्हाट्सएप कैमरा ऐप खोलेंगे, उसमें फीचर दे देगा कैमरा एक्स एपीआई वाला फीचर कि भाई आप पोर्ट्रेट ब्लर करो, तो आपका मेन कैमरा जो वहाँ पर पोर्ट्रेट ब्लर कर पाएगा। तो इस तरह की फीचर्स जो है आपको देखने को मिल जाएगी कैमरा एक्स एपीआई की मदद से। और कैमरा एक्स एपीआई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, जो कि एंड्रॉयड के कैमरा के एक लिमिटेशंस को ख़त्म करता है, वरना इस तरह की लिमिटेशंस दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन गाइज इसमें दो प्रॉब्लम्स है, दो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला प्रॉब्लम ये है ना कि गूगल ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं करता है कि आपको कैमरा एक्स एपीआई देना ही है। जैसे एंड्रॉयड पाई के बाद गूगल ने कह दिया था कि कैमरा टू एपीआई सबको देना ही है जो भी एंड्रॉयड पाई पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं निकाला है गूगल ने अभी तक कि कैमरा एक्स एपीआई आपको देना ही है। ये ऑप्शन रहेगा अभी फिलहाल ब्रांड्स के लिए, या तो कैमरा एक्स एपीआई सपोर्ट दो या तो नहीं दो। तो मैं कहूँगा कि अगर ये एंड्रॉयड 11 के बाद जो अगर ये मैंडेटरी कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर एटलीस्ट एंड्रॉयड 12 के बाद कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा क्या है ना, दूसरा ये है कि कैमरा एक्स एपीआई में यहाँ पे जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने कैमरा के फ्रैगमेंट्स में से एक या दो चीज़ को सपोर्ट दे सकते हैं, बाकी सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपना कौन सा फीचर थर्ड पार्टी कैमरा ऐप को इस्तेमाल करने दोगे, क्या आप पोर्ट्रेट ब्लर इस्तेमाल करने दोगे। अगर मैन्युफैक्चरर कर देगा नहीं हम अपना पोर्ट्रेट ब्लर का फीचर नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो नहीं देंगे और थर्ड पार्टी कैमरा आपको फिर से अपना ही सिस्टम जो है बनाना पड़ेगा। तो मैं तो ये चाहता हूं भाई कि अगर थर्ड पार्टी कैमरा ऐप को हर चीज का सपोर्ट मिले, एटलीस्ट पोर्ट्रेट ब्लर का, 4K 60 जो भी चीज है गाइस मेन चीज है, उन सब का अगर सपोर्ट दे मैन्युफैक्चरर्स तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये लिमिटेशंस जो है खत्म होनी चाहिए। और हालांकि गाइस डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, उनका कोड है, उनका अपना लिखा हुआ है, तो भाई वो उनका प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे अगर कैमरा एक्स एपीआई में ज़्यादा ओपननेस आता है और ज़्यादा यहाँ पे मैंडेटरी बनाया जाता है, तो फ्यूचर में हमें जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है वो और भी ज़्यादा कैमरा के लिए इनहांस देखने को मिलेगा। वरना गाइस कोई कह देगा कि नहीं भाई हम थर्ड पार्टी कैमरा ऐप में सेकंड और थर्ड कैमरा को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो फिर कैमरा एक्स एपीआई का कोई तुक बनेगा नहीं। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि कैमरा एक्स एपीआई क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या अभी फिलहाल जो लिमिटेशंस हैं। आशा करते हैं कि जब एंड्रॉयड 11 या 12 आए तो कैमरा एक्स एपीआई आपको देखने को मिले और ज़्यादा अच्छा जो है कैमरा की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इन्हांसमेंट देखने को मिले। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।